नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपकी राशि के दैनिक राशिफल के बारे में, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। 6 अक्टूबर 2021 बुधवार का दिन है और आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। नक्षत्र की बात करें तो हस्त नक्षत्र रहेगा और योग रहेगा ब्रह्म योग, और चंद्रमा की जो स्थिति है वह रहेगा कन्या राशि में। और आज का शुभ समय, तो आज के डेट में किसी भी प्रकार की शुभ समय नहीं है। आज का अशुभ समय यानी राहु काल की बात करें तो राहु काल का समय है दोपहर 12:14 से 1:42 तक। यह समय में किसी भी प्रकार की नए कार्य की शुरुआत ना करें, अन्यथा विघ्न बाधाएं आ सकती है। चलिए बात करते हैं आज का दैनिक राशिफल, जो कि यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। यह समय कोई भी फैसला लेने से पहले उस पर अच्छी तरह से सोच विचार करने से परिस्थितियां पूरी तरह आपके पक्ष में होंगी और आपके लिए जो समय होंगे, इस समय आप जितना परिश्रम करेंगे उसी के मुताबिक आपको अच्छा नतीजा मिलेगा। और इसके उपरांत यह समय विद्यार्थियों की भी अपनी पढ़ाई में आ रही रुकावटें दूर होंगी और परेशानियाँ आपकी खत्म होंगी। इसके उपरांत यह समय किसी पारिवारिक सदस्य को लेकर ही आपके अंदर शक या वहम जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, उनसे आप दूर रहने की कोशिश करें और डाउट आप क्लियर करने की कोशिश करें। इसी की वजह से संबंधों में भी खटास आएगी, एक दूसरे से दूरियां बढ़ सकती है। घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, उनका अधिक से अधिक ख्याल रखें। और इसके उपरांत यह समय नकारात्मक विचारों को अपने मन में पनपने ना दें। इसके उपरांत यह समय अध्यात्म और धार्मिक गतिविधियों में आपका समय व्यतीत होगा, जैसे कि पूजा पाठ, ईश्वर भक्ति आप मन से करें, इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, इस समय किसी करीबी संबंध के यहाँ समारोह में जाने का आपको मौका मिल सकता है, उसमें आप सफल भी होंगे और वहाँ जाकर आपको कुछ नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा। किसी अनुभवी लोगों के साथ आपकी कार्य क्षमता और व्यक्तित्व निखरेगा। इसके उपरांत अपनी योजनाओं और गतिविधियों की चर्चा किसी के सामने बिल्कुल ना करें। देखिए, आपके लिए जो समय होंगे, इस समय थकान और आलस्य की वजह से कोई महत्वपूर्ण काम आपका छूट सकता है, वह आपका अटक सकता है, इसलिए आप काम के साथ साथ आराम भी करिए, आपके लिए बेहतर होंगे। और अपने स्वभाव में नरमी रखें, गुस्से की वजह से परिस्थितियाँ आपकी बिगड़ सकती है। व्यवसाय की बात करते हैं, समय आज आपके ज़्यादातर काम फोन और संपर्क सूत्रों के जरिए ही पूरे होंगे, इसलिए अपने फोन को आज साथ रखें और छोटी मोटी कोई भी कॉल हो आप नजरअंदाज ना करें, ये कोई भी कॉल आपके लिए लाभदायक स्थिति भी बन सकती है। आर्थिक स्थिति भी आपकी बेहतर होगी, समय उपलब्धियों वाला है, इसका भरपूर सदुपयोग करें और इसका फायदा उठाएं। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, यह समय नौकरी पेशा व्यक्तियों को अचानक ही कोई शुभ समाचार मिलेगा जो कि आपके लिए लाभदायक साबित होंगे। लव लाइफ की बात करें तो यह समय दाम्पत्य जीवन में छोटी मोटी बातों को आप नज़रअंदाज करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा और इससे आपकी नज़दीकियाँ बढ़ेगी, प्रेम संबंध भी भावुकता पूर्ण रहेगा। सेहत की बात करें तो यह समय और नियमित दिनचर्या की वजह से सेहत आपकी गड़बड़ हो सकती है, सेहत बिगड़ सकता है, इसलिए अपना ध्यान रखें। योग और व्यायाम को भी अपनी दिनचर्या में अवश्य शामिल करें, खान पान को हमेशा आप नियमित रखें। फायदे की बात करें तो इस समय बेरोजगारों को एक अच्छी रोजगार मिल सकता है और सरकारी कामों में आपको सफलता मिल सकती है, इस समय उधार दिया गया पैसा मिलने के भी योग बन रहे हैं। नुकसान की बात करें तो ऑफिस में काम का बोझ अधिक रहेगा और इस समय परिवार को समय नहीं दे पाएंगे, किसी पर आंख मूंद कर विश्वास ना करें, भरोसा ना करें। उपाय की बात करें तो शिव तांडव स्त्रोत का पाठ करें। आज आपका शुभ रंग मेहरून कलर है, भाग्यशाली अंक आज आपका 9 है।